ईवीटेक लवर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज अपनी ओला ईवी के साथ पहुंचा हूं इस जगह पे। ये देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा उधड़े हुए निशान है और इसमें कुछ मरम्मत की जा रही है। दोस्तों, ये जगह है अलकनंदा नदी के तट पर, हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय चौरा का स्टेडियम। ये स्टेडियम दोस्तों, ये मेरे सामने ओला S1 प्रो है जिस पे मैं सफ़र करके यहाँ पे आया हूँ। और ये अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी के किनारे पर ये हुआ करता था स्टेडियम, चौरास स्टेडियम। और दोस्तों, 2013 की केदारनाथ आपदा की जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में ये वाला स्टेडियम, इसका ये लगभग आधा हिस्सा पूरा बह गया था, पूरा उधेड़ के ले गई थी 2013 जून की बाढ़। और उसके जो ये उधड़े हुए निशान हैं, वो जो आपदा के घाव थे, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। और ये रेलवे की सुरंग है, उस सुरंग से ये मटेरियल आ रहा है और यहाँ पर इसको भरा जा रहा है। ये देखिए, ये है वो जगह, ये नेशनल हाईवे के पास, ये सिरकोट के बिल्कुल पास में है ये जगह। और यहाँ पे जो अंदर सुरंग है वो रुद्रप्रयाग की तरफ और इधर श्रीनगर की तरफ जा रही है, वहीं से ये मटेरियल आ रहा है और इन जो भारी मशीनों के द्वारा इसको लेवल किया जा रहा है और दोबारा से इस स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये देखिए, ये वो जगह है, ये मेरी ओला S1 प्रो है और इससे मैं सफ़र करता हूँ। और दोस्तों, ये वो जगह है जो कि याद दिलाती है कि मनुष्य और प्रकृति में अगर सामंजस्य में थोड़ा भी गड़बड़ हो तो फिर क्या हो सकता है। और मनुष्य देखिए, अभी सामने आप अलकनंदा नदी देख रहे हैं और मनुष्य के द्वारा फिर एक और गलती, प्रकृति को फिर दोबारा चिढ़ाया जा रहा है। देखिए, इसका पूरा पानी जीवी के डैम की जो नहर है उसमें पलट दिया गया और यहाँ का जो जैव वातावरण है उसको ये बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, जो कि शायद ठीक नहीं है। प्रकृति का फिर कभी गुस्सा इसके ऊपर भी देखा जा सकता है। और ये देखिए, ये भारी मशीनों के द्वारा देखिए मनुष्य अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा है और इन भारी मशीनों के द्वारा इस जो मटेरियल यहाँ पे भरा जा रहा है उसको लेवल किया जा रहा है। और सामने आप रोलर देख रही हैं, उस रोलर से इसको दबा के इसको और सख्त बनाया जा रहा है और इसको चट्टानीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जो कि प्रकृति बहुत धीमे करती है लेकिन मनुष्य इसको अपनी तेज़ी से करने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी शायद ये स्टेडियम अपना रूप धारण कर ले। लेकिन याद रखिएगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की एक छोटी सी मुहिम हमने छेड़ रखी है जिसकी टैग लाइन है हर घर एक ईवी। आप भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। आपको अपने लिए एक बढ़िया सी ईवी का चुनाव करना है जिससे कि आप अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ साथ इधर उधर की यात्रा भी कर सकते हैं। जितना आप उसमें अधिक यात्रा करेंगे दोस्तों, आप पर्यावरण का उतना ही संरक्षण करेंगे और साथ ही उतने ही अधिक पैसे अपने परिवार और अपने लिए बचाएंगे। दोस्तों, उस उद्देश्य अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नमस्कार।